हेलो बच्चों, कल साइटोलॉजी में हम लोगों ने दो सेशन क्वेश्चन आंसर के कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है। अब बायोमॉलिक्यूल्स की बारी है। बायोमॉलिक्यूल्स में हमें क्वेश्चन लगाने हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स में भी यहाँ पर भी आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे इस सेशन में बच्चों, और हर टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ। सिंपल ऑब्जेक्टिव से लेकर के आपको असर्शन, रीजन टाइप, मैचिंग टाइप बच्चों, ठीक है, इन सारे और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के बायोमॉलिक्यूल्स के। आप लोग साथ साथ में मेरे प्रैक्टिस करेंगे। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में जानकारी ली जा रही है, एसिड यूज फॉर प्रीलिमिनरी सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन अ लिविंग स्टेट। बच्चों इसका आंसर करिए, जब हमने लिविंग स्टेट में से कोई भी लिविंग सेल से अगर हम बायोमॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो कौन सा एसिड खर्च करेंगे बच्चों? यहाँ पर खर्च करेंगे CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड इसका नाम है बच्चों, ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड। ये ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड बहुत जरूरी है, अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आप एक्सट्रैक्ट बच्चों नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स हैं क्या बच्चों? बायोमॉलिक्यूल्स में पूछा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? नहीं होते हैं। क्या ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं? वोलेटाइल का मतलब है कि अगर इनको हम रख दें किसी कंटेनर में तो यहाँ से ये अपने आप बच्चों भाप बनाकर, वेपर फेज बना करके उड़ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। ये भी गलत है, ए एंड बी गलत है। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड में देखें, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। बच्चों एसिडिक अमीनो एसिड बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं? लाइजीन एक प्रकार का बेसिक अमीनो एसिड है। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आंसर सही है, और एसिड वाले जो भी आपके पास अमीनो एसिड होते हैं उनमें एसिड बच्चों लगा रहता है नाम में, तो आप पहचान सकते हो। ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। फोर्थ में चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर एरोमेटिक एक्सेप्शन पूछ रहा है आपसे, तो एक्सेप्शन में आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर आप देखेंगे एरोमेटिक में एक ट्रिक काम करती है, अगर आपको अच्छी लगे तो याद कर सकते हो, अरे फिर टाई ट्राई, बस इतनी सी ट्रिक है, अरे फिर टाई ट्राई करो। बचपन में हम लोग जाते थे, टाई ठीक से नहीं लगती थी तो बार बार ट्राई करते थे, तो अरे से आ जाएगा एरोमेटिक, फिर से आ जाएगा फेनिल एलानीन, टाई से आ जाएगा टायरोसिन, ट्राई से आ जाएगा ट्रिप्टोफिन, ठीक है, बस इतनी सी ट्रिक है। अरे से एरोमेटिक बच्चों, फिर से फेनिल एलानीन, टाई से टायरोसिन और ट्राई से ट्रिप्टोफैन। तो ये देखिए यहाँ तीनों मौजूद है, यानी ये भी है बच्चों, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, एक्सेप्शन बताइए, तो आंसर विल बी बच्चों यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, वैलिड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में बच्चों कौन सी ट्रिक काम करती है? यहाँ पर लाभ से आप याद कर सकते हो, LABH। लाभ में बी का मतलब होता है बेसिक अमीनो एसिड, एल का मतलब होता है लाइजीन, ए का मतलब होता है आर्जिनिन और एच का मतलब होता है हिस्टिडीन। अब बात आती है कि ये तीनों ही अमीनो एसिड यहाँ पर दिए हैं, जैसे आर्जिनिन दिया हुआ है, हिस्टिडीन दिया हुआ है, चलिए ग्लाइसिन और ग्लूटामिन तो नहीं है। अब इन दोनों में कंपेयर करना हमें कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन में दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, तो आंसर विल बी ए करेक्ट हो जाएगा, आर्जिनिन आपका हिस्टिडीन से ज्यादा बेसिक होता है। नेक्स्ट, क्योंकि इसका आर ग्रुप ना बच्चों, याद कर लीजिए कि आर्जिनिन का जो आर ग्रुप होता है वो हिस्टिडीन से ज्यादा बेसिक है, इस वजह से यहाँ पर आर्जिनिन हिस्टिडीन से ज्यादा बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का नाम बता दीजिए। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बच्चों आपकी एनसीईआरटी में भी ये प्रिंटेड है, ग्लाइसिन इसका नाम होता है। यहाँ पे ये कार्बन होता है बच्चों, इधर की ओर COH ग्रुप लगा रहता है, यहाँ पर आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाता है और इधर की ओर बच्चों NH2 ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। ये अमीनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, आर ग्रुप यहाँ रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से और ये हाइड्रोजन वैसे का वैसा लगा रहता है। तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है जिसमें एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है। सेवंथ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द चार्ज्ड मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एज। चार्ज मॉलिक्यूल होना चाहिए और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, ये आपने कहाँ पढ़ा है बच्चों? ये पढ़ा है आपने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। याद करिए, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे याद किया था, COH पे बच्चों माइनस आता था, NH2 पे बच्चों प्लस आता था, और ये एक साथ में चार्ज आते थे दोनों के दोनों, तब हम बोलते थे कि ज्विटर आयन है। क्या है ये? इलेक्ट्रिकली बच्चों ये न्यूट्रल होता है, इट इज अ ज्विटर आयन। नाउ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं बच्चों? आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, जहां पे भी सैचुरेशन होता है
वहां पर कार्बन कार्बन के बीच हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड नजर आता है, क्योंकि कार्बन की बाकी फुलफिल वैलेंसी बच्चों हाइड्रोजन के द्वारा हो जाती है और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से घिरे रहते हैं, तो ये सैचुरेशन कंडीशन कहलाती है। अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन। कभी कभी बच्चों एक से ज्यादा भी बॉन्ड आपको यहाँ दिख सकते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, उस केस में बच्चों ये दो पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये सब जानकारी आपको केमिस्ट्री में दी जाती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से एसिड होंगे जिनमें वन या एक से ज्यादा बच्चों डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, वन और मोर डबल बॉन्ड की बात की जाएगी तो अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड के नाम बता दीजिए, तो बच्चों याद कर लीजिए इनका नाम होता है LLA। ये LL कौन है, LLA कौन है, लिनोलिनिक एसिड एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, लिनोलिक एसिड है, सॉरी बच्चों ये एसेंशियल है, लिनोलिनिक भी एसेंशियल है और एर्किडोनिक एसिड भी बच्चों आपका एसेंशियल फैटी एसिड में उसमें आता है। तो यानी हाँ ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑल ऑफ द करेक्ट बच्चों। फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट बिकॉज दे, इनमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें से आपसे पूछ रहा है कि फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट होता है तो क्यों होता है, इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉस्फोलिपिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल होता है, नो बेटा, ये क्योंकि बाइलेयर बना लेता है वाटर में, वाटर में बच्चों बाइलेयर कहाँ बनाता है सोचिए, यहाँ पे ये गलत हो गया। कंबाइन कोवैलेंटली विद प्रोटीन बच्चों, गलत है, इसमें पोलर नॉन पोलर पोर्शन दोनों होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बच्चों हेड इसका कैसा होता है, आप लोग याद करें हेड इसका पोलर होता है, इसीलिए हेड इसका जो होता है वो वाटर के साइड होता है, ठीक है। और नॉन पोलर टेल बच्चों क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है तो ये अवे होती है वाटर से, ठीक। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हैं, हेड को रखते हैं वाटर के साइड दैट इज सॉल्वेंट के साइड और टेल को छुपा देते हैं बीच में, ये बाई लेयर नाम का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखता है। यानी टेंथ का जो आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो डी करेक्ट होना चाहिए। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब 11th में पूछ रहा है कि ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों, तो ग्लिसरॉल क्या होता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड लगाएंगे यहाँ पे, फिर कार्बन जोड़ेंगे, फिर हाइड्रोक्साइड लगाएंगे और फिर कार्बन जोड़ेंगे, फिर हाइड्रोक्साइड लगाएंगे। तीन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं, दैट इज इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी, ओके, इसे बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी। और इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, तो ये तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड लगता है बच्चों प्रो, वन कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ और तीन कार्बन के लिए बच्चों प्रो, तो यहाँ हो जाएगा। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें जो सफिक्स है वो एन जुड़ जाएगा, दैट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपेन गलत है, ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन गलत है, टेट्रा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज बी। नाउ फैट क्या होता है बच्चों, वॉट इज फैट, फैट क्या है, इसमें कह रहा है तीन ग्लिसरॉल होगा, वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल होता है, ऐसा पढ़ा था क्या हम लोगों ने, नहीं बच्चों एनसीईआरटी में ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। फिर पूछा है वन ग्लिसरॉल एंड तीन के फैटी एसिड होते हैं, यस बच्चों देखिए वहां पे डायग्राम जहां बना है जाकर के देखिए, R1 R2 एंड R3 को बच्चों जोड़ा गया है एक ही ग्लिसरॉल में और बाकी मेंशन किया गया कि ये R1 R2 R3 जो है वो सबके सब फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन बच्चों रॉन्ग हो जाएंगे। 12 का बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेसाइथिन के बारे में आपसे जो नॉलेज मांगी जा रही है कि लेसाइथिन क्या होता है बच्चों, लेसाइथिन क्या है, एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है कि कार्बोहाइड्रेट है कि अमीनो एसिड है कि प्रोटीन है, बच्चों ये प्रोटीन है नहीं, अमीनो एसिड ये है नहीं, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये क्या है बच्चों, इट इज अ फॉस्फोलिपिड, डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी, आप याद करिए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड आपसे न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानकारी पूछी जा रही है बच्चों कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो यहाँ पे देखें ये राइबोस शुगर है बच्चों, ठीक है, इट इज अ राइबोस शुगर, यहाँ पे इसका बच्चों ये OH एंड होता है, ये कार्बन का OH एंड होता है, ये कार्बन का OH एंड होता है, ये कार्बन का OH एंड होता है और बच्चों ये पांचवा कार्बन होता है, यहाँ पर भी बच्चों OH एंड लगा रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द फिफ्थ वन। इस OH वाले कार्बन से बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। तो जब ये नाइट्रोजन बॉन्ड इससे जुड़ जाता है, सॉरी नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, याद रखेंगे
कि दो चीजों के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है, राइबोस शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड कब बनता है। तो ये जो पांचवें कार्बन का ओएच डैश है बच्चों, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड के द्वारा हम लोग फॉस्फेट को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये फॉस्फेट आकर के यहाँ जुड़ जाता है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें तीन चीजें सम्मिलित हैं, ये आपस में मिलकर के बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड, एंड इट इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ डीएनए। तो देखते हैं यहाँ क्या ऑप्शन दे रहा है, प्यूरीन पिरिमिडीन फॉस्फेट होगा यहाँ पे, यानी इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस केवल ऑप्शन में दे रहा है और फॉस्फेट दे रहा है, जो कि गलत आंसर है। इसमें तीन चीजें होंगी बच्चों, प्यूरीन होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, ठीक है। यहाँ पर तीन मुझे चीजें दी जा रही हैं, लेकिन क्या प्यूरीन ही हमेशा आएगा? नहीं बच्चों, प्यूरीन के अलावा पिरिमिडीन भी तो आ सकता है। प्यूरीन में तो केवल ग्वानिन और एडनिन होते हैं, देखो साइटोसिन थाइमिन एंड आरएनए के केस में यूरेसिल भी तो पिरिमिडीन होगा, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। अब ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगी एंड फॉस्फेट, ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस जब हम बोलेंगे तो उसमें प्यूरीन पिरिमिडीन सब आ जाएंगे, और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पिरिमिडीन है लेकिन प्यूरीन नहीं है बच्चों। नेक्स्ट पूछ रहा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन होता है, तो अभी हम लोगों ने आंसर किया, दैट इज मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। हमेशा और हमेशा उसमें राइबोस शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे एंड फॉस्फेट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है इनुलिन क्या होता है बच्चों, इनुलिन किसका पॉलीमर होता है, इनुलिन के बारे में आपसे जानकारी ली जा रही है, बताइए बच्चों 16 का क्या आंसर बनना चाहिए, ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज की एराबिनोज। बच्चों ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है, प्लांट से ऑप्टेन होता है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसको कई बार हम लोगों ने बच्चों ड्रा भी किया हुआ था कि अमीनो एसिड की इस तरीके से चेन होती है बच्चों, जब अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनते हैं बच्चों, ये बॉन्ड बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से लिंक रहते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक रहते हैं, दैट इज आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का प्रोटीन का, जिसमें आपको पोजिशनल अमीनो एसिड का नंबर पता होता है, कौन सा अमीनो एसिड पहला है, कौन सा अमीनो एसिड दूसरा है, कौन सा अमीनो एसिड तीसरा है और कौन सा अमीनो एसिड लास्ट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 18th पे, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा बच्चों कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जो कि ग्राउंड सब्सटेंस बनाने का काम करती है बच्चों, कोलेजन प्रोटीन होती है, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन ही हमारी। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इसमें से किसमें से दिखेगा बच्चों, हिस्टोन कहरा प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन में कि ग्लोब्यूलिन में कि हीमोग्लोबुलिन में, ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एसेंशियल होता है किसके लिए बच्चों, बताइए किसमें देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, ये बच्चों किसमें हो जाएगा, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम वाला पार्ट जो है बच्चों वो आयरन प्लस टू है, एंड ग्लोबिन वाला पार्ट देखें तो ये प्रोटीनिसस पार्ट है, ये ग्लोबिन पार्ट में दो बच्चों चेन होती हैं, एक होती है अल्फा चेन, ये जानकारी आपको दी गई है एनसीईआरटी में, और एक होती है बीटा चेन बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चरली दोनों सिमिलर होती हैं, बस अमीनो एसिड का अंतर होता है, 141 अमीनो एसिड अल्फा चेन में होते हैं और 146 अमीनो एसिड बच्चों बीटा चेन में होते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आपका द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इन न्यूक्लिक एसिड, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, डायग्राम को ड्रा किया था, अगर ऊपर जाकर के देखें, ये डायग्राम यहाँ पे बना होगा बच्चों, इस डायग्राम को देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच, ये शुगर का पांचवा कार्बन है, इस पांचवें कार्बन के बीच में यहाँ फॉस्फेट मौजूद है, इस वाले बॉन्ड से हमें जानकारी ले रहा है, कह रहा है ये वाला बॉन्ड बता दो कौन सा बॉन्ड होता है, तो दिस बॉन्ड इज नोन एज द बच्चों ईस्टर बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे बच्चों, देन आंसर विल बी बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और 21st में पूछा जा रहा है बच्चों कि टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम किस पे डिपेंड करता है, बच्चों टर्नओवर नंबर के बारे में जानकारी आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा एलाबोरेट करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम जो लिंक्ड होता है टर्नओवर नंबर से भी इसकी हम लोग स्टडी करते हैं, ये क्या बताता है बच्चों, तो ये बताता है जैसे इस स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो मान लीजिए एंजाइम की ये एक्टिव एक साइट है, ठीक है, ये इस तरीके से एक्टिव साइट है, एक एक्टिव साइट बच्चों यहाँ मौजूद है, ठीक, और एक एक्टिव साइट बच्चों यहाँ मौजूद है, यानी एक ही एंजाइम में हम लोगों ने क्या किया बच्चों, एक, ये रही दो और ये रही तीसरी, ये तीन यहाँ पर देखिए तो आपको नजर आएंगी एंजाइम के बंधने के लिए एक्टिव साइट, तो जितनी ज्यादा एक्टिव साइट होंगी उतना अच्छा होगा
सबस्ट्रेट के लिए उतनी तेजी से रिएक्शन हो सकेगी, उतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बच्चों ऑब्टेन होता रहेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि रेट इंक्रीज हो जाएगा। टर्नओवर का नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन रेट से है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नंबर ऑफ एक्टिव साइट से। नंबर ऑफ एक्टिव साइट जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा बच्चों आपको टर्नओवर नंबर दिखेगा। क्लियर। अब हमसे 22 में पूछ रहा बच्चों KM वैल्यू क्या होती है एंजाइम की, इज द वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रीचेस टू। बच्चों यहाँ देखिए हम लोगों ने इस तरीके से ग्राफ बनाया था, इधर सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बनाया था और इधर बच्चों हम लोगों ने वाई एक्सेस पे रेट को दिखाया था। तो याद होगा आपको यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बन जाता है कि यहाँ तक बच्चों सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाने पे ये रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ उसके बाद जब एक्टिव साइट पूरी कंप्लीट हो जाती है तो रेट जो है बच्चों कांस्टेंट हो जाता है, रेट अब आगे नहीं बढ़ता है। तो सबस्ट्रेट की वह कंसेंट्रेशन जहां पर रेट, अगर मान लीजिए ये पूरा वी मैक्स है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर पहुंचने पर वी मैक्स हो गया, तो कंसेंट मान लीजिए सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन यहाँ कुछ रही होगी जिसपे इसने वी मैक्स का आधा हाफ ऑफ वी मैक्स अटेन किया, हाफ ऑफ वी मैक्स अटेन कर लिया, तो सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों KM वैल्यू। क्लियर। तो सबस्ट्रेट की वो वैल्यू जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन वी मैक्स का हाफ अटेन कर लिया जाता है उसे बोलते हैं बच्चों KM वैल्यू। तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। राइबोसाइम की बात करें बच्चों, राइबोसाइम क्या होता है, राइबोसाइम होता है बच्चों 23sRNA, ठीक है, 23sRNA होता है और इसके पास बच्चों कैटालिटिक पावर होती है, कैटालिटिक पावर होती है बच्चों, ये एंजाइमेटिक रोल भी निभा सकता है। तो लिखा है एंजाइम हूज को फैक्टर इज आरएनए, गलत हो जाएगा, आरएनए विद एंजाइम एक्टिविटी आंसर सही हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन बच्चों गलत है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। 24 में चलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाई, बच्चों कह रहा है कि फीडबैक जो इनहिबिशन है बच्चों, फीडबैक के द्वारा जो इनहिबिशन होता है एंजाइम को, उसको अगर अफेक्ट करना है तो कौन अफेक्ट कर सकता है, खुद एंजाइम अफेक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है बच्चों। क्लियर, इसको याद रखेंगे कि खुद एंजाइम भी इसको अफेक्ट नहीं कर सकता है, सबस्ट्रेट भी नहीं कर सकता है और कोई भी इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट भी नहीं कर सकता, केवल और केवल बच्चों एंड प्रोडक्ट जो है वो फीडबैक इनहिबिशन एंजाइम को अफेक्ट कर सकता है, इसको याद रखिए। को एंजाइम इज, को एंजाइम क्या होगा बच्चों, याद करें आप लोग, हम लोगों ने यहाँ पर याद करवाया था कि प्रोस्थेटिक फैक्टर होगा, ठीक है, कभी कभी एंजाइम के साथ कुछ प्रोस्थेटिक फैक्टर भी लग जाते हैं, साथ में प्रोटीन का पार्ट तो हमेशा ही मौजूद होगा, बिना प्रोटीन पार्ट के एंजाइम नहीं बनेगा। इस प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग बोलते थे बच्चों, क्या बोलते थे, हमेशा बोलते थे को एंजाइम, क्या बोलते थे आंसर, को एंजाइम। तो 25 का आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों आपका, 25 का आंसर क्या बनेगा यहाँ से, दैट इज डी बनेगा, ऑफ है ना, सॉरी यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, ये वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओके। तो ये प्रोटीन का देखिए प्रोस्थेटिक फैक्टर, प्रोस्थेटिक फैक्टर में बच्चों तीन थे हम लोग, एक देख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, एक देखा था हम लोगों ने मेटल आयन को और एक देखा था बच्चों को एंजाइम्स को, है ना। को एंजाइम्स को एनसीईआरटी के बारे में जानकारी दी गई है कि जो कोएंजाइम्स होते हैं वो वाइटामिन्स होते हैं, क्या होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। ये पूछ रहा था आपसे कि कोएंजाइम क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सही रहना चाहिए, ठीक है, ऑफ है ना, विटामिन आंसर हो जाएगा। फिर 26 में चलते हैं बच्चों, 26 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम, एंजाइम के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि क्या सही होगा बच्चों। 26 में यहाँ कह रहा है कि होलो एंजाइम होता है एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, ठीक। तो ये देखिए बच्चों, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ये एंजाइम है हमारा, इस एंजाइम के साथ कोई यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप लग जाता है, ठीक, तो एंजाइम वाला जो पार्ट होता है बच्चों कहलाता है एपो एंजाइम, क्या बोलते हैं इसे, एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम जब प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो ये कहलाता है बच्चों होलो एंजाइम, पूरा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहला रहा है हमारा होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम प्लस यहाँ पर बच्चों को एंजाइम, That is कहलाएगा आपका होलो एंजाइम। तो 26 का आपको बच्चों ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट, अगर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो ये एफिशिएंटली वर्क कर सकता है कहां पे बच्चों, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एक्टिव रहता है, ठीक है, ये डायरेक्टली बात लिखी हुई है जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक से बात की थी।
ऑर्गेनिक वाला कैसे डिफरेंस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के लिए कौन सी इनमें से बात गलत हो जाएगी. तो डी, हमें चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है. हमसे पूछ रहा है गलत ना, तो पहले से ही आप लिख लो या करो कि रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे आंसर. द अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड आर अटैच टू बोथ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अल्फा कार्बन. बिल्कुल सही है बच्चों. ये देखिए यहाँ पे जो कार्बन होता है इसके साथ राइट साइड में यहाँ COH, लेफ्ट साइड में बच्चों NH2 ग्रुप, और यहाँ पर R ग्रुप और यहाँ पर H ग्रुप अटैच होता है. तो यहाँ बच्चों लेफ्ट साइड पे NH2 ग्रुप है, राइट साइड पे COH ग्रुप है, यहाँ एल्किल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन. तो ऐसा कार्बन जहाँ पे डिफरेंट 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 इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप के द्वारा फुलफिल होती है, इस कार्बन को अल्फा कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट बच्चों सही है, हमसे गलत पूछा है. अमीनो एसिड हैव एन टर्मिनल, सी टर्मिनल एंड आर ग्रुप. बिल्कुल देखिए बच्चों, लेफ्ट वाला एंड एन टर्मिनल, राइट वाला एंड सी टर्मिनल, और यहाँ देखिए एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ. ये स्टेटमेंट भी सही है. अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ये बच्चों जानकारी गलत है. अमीनो एसिड को हम लोग एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, बच्चों नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल के बीच बांटते हैं. वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं वो नॉन एसेंशियल है, जिनको बॉडी नहीं बना पाती उनको बाहर से लेना पड़ता है. दीज आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड. तो स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा. 29 की बात करें, फिर से पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट बताइए कौन सा गलत है. लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड आर फॉर्म्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ टू कार्बन कंपाउंड. अभी देख लेते हैं इसको. लिपिड मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन वाटर. बस स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा. ये स्टेटमेंट गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि लिपिड जो है बच्चों नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा. नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं. नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके होते हैं जैसे बेंजीन हो गया आपका, ठीक है बच्चों, बेंजीन वगैरह हो गया, टोल्यून हो गया, ईथर हो गया, ठीक. इन सब में तो सॉल्युबल हो सकते हैं, लेकिन वाटर एक पोलर कंपाउंड है. यहाँ पे देखिए H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो पोलरिटी रहती है वाटर के पास, इसलिए वाटर में बच्चों लिपिड इनसॉल्युबल होगा. तो आंसर यही गलत हो जाएगा. बाकी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ऊपर वाला भी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट ही हो जाएगा. 30 में बात करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. इनमें से गलत क्या होगा. अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूट मीथेन्स. देखिए बच्चों मीथेन में क्या स्ट्रक्चर बनता है. मीथेन में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है क्या, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला CH4 होता है, चारों वैलेंसी है. अब इस हाइड्रोजन को जोड़ा हटाइए, यहाँ एल्किल जोड़ दीजिए, इस हाइड्रोजन को ऐसे ही रखिए, इस हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ COH रख दीजिए, इस हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ NH2 लगा दीजिए. तो कार्बन की चारों वैलेंसी चार अदर अदर ग्रुप्स के द्वारा फुलफिल हो गई, तो इनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे मीथेन के, ठीक है. ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे. तो पूछा जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मीथेन का, करेक्ट जानकारी है. ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ये भी करेक्ट जानकारी है. लाइजीन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, इसको देख लेते हैं. लिसाइथिन इज अ फॉस्फोलिपिड है बच्चों, सही है. लाइजीन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड नहीं है, इट इज अ बच्चों बेसिक अमीनो एसिड. आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, बेसिक अमीनो एसिड है, इसलिए स्टेटमेंट सी करेक्ट हो जाएगा. चलिए 30 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हुए. अब 31 में पूछ रहा है, कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए. राइबोसोम जो है न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनमें कैटालिटिक पावर होती है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. प्रोटीन्स आर होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. ये तो बात सही है कि ये अमीनो एसिड के बने होते हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़े ना बच्चों, यहाँ ग्लाइसिन है तो यहाँ भी ग्लाइसिन होगा, यहाँ भी ग्लाइसिन होगा, ऐसा नहीं होता. ग्लाइसिन यहाँ होगा तो यहाँ हिस्टिडीन हो सकता है, यहाँ वैलिन हो सकता है. इसलिए जो प्रोटीन है ऑलवेज बच्चों इसमें एक से ज्यादा ही अमीनो एसिड होते हैं, इसको प्रोटीन को बोलते हैं बच्चों हेटेरो पॉलीमर, ठीक है. इट इज अ पॉलीमर है, ये बात सही है, लेकिन होमोपॉलीमर नहीं होगा. होमोपॉलीमर का मतलब एक जैसे अमीनो एसिड, तो यहाँ पर ये हेट्रोपॉलीमर होता है. ये गलत है इन्फॉर्मेशन. इनुलिन पॉलीमर फैक्टोज का जो कि प्लांट से ऑप्टेन होता है, सही है. ग्लाइकोजन लीवर और मसल्स में हमारे स्टोर होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है. चलिए पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. कह रहा है 32 में काइटिन एक प्रकार का पॉलीमर है. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को आप पढ़िए. यहाँ पे काइटिन पॉलीमर बोला जा रहा है. नेक्स्ट कोलेजन इज द, तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये इनकरेक्ट है. काइटिन जो है बच्चों एक प्रकार का ये हेटेरो पॉलीमर होता है. आपको पता होना चाहिए कि काइटिन जो है एक प्रकार का हेट्रोपॉलीमर है. कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, ये भी गलत स्टेटमेंट है. कोलेजन बच्चों नहीं होता है. आंसर दिया हुआ है यहाँ पे रिबिस्को.
ये प्लांट में पाए जाने वाले एंजाइम है जो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर थर्ड पूछा जा रहा है, प्रोटीन्स आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये अमीनो एसिड है बच्चों, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, और ये आपस में बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से लिंक होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी स्टेटमेंट को भी देखिए, इन अ पॉलीसेक्राइड द इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। नो बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, गलत, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने के लिए गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए 33 में देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग रिगार्डिंग काइटिन। काइटिन के बारे में फिर से आपकी जानकारी ली जा रही है कि काइटिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। सबसे पहले बी को जरा देख लेते हैं, इट इज अ हेट्रोपॉलीसेक्राइड, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की थी पहले क्वेश्चन में, सही है। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर्थ्रोपोड की, ये बच्चों मेम्ब्रेन में दिखता है, फंगल की सेल वॉल में दिखता है, आर्थ्रोपोड में ये एक्सोस्केलेटन बनाने के काम में आता है, ये आप जान लीजिए बच्चों, एक्सोस्केलेटन बनाता है। इट इज अ सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ। बच्चों ये भी यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही है। तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, यानी गलत क्या है बच्चों, 33 का ए गलत हो जाएगा आपका, That is, काइटिन इज अ स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्राइड। नो बच्चों, ये गलत है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड के काम में ये नहीं करने पाएगा, ठीक है। चलिए 34 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में आपसे जानकारी मांगी जा रही, वहां पर एक टेबल दी हुई है बच्चों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उनके फंक्शन के बारे में, वो पूरी टेबल आप आज जाकर के एनसीईआरटी से आप याद कर लेंगे, है ना, हमेशा वहां से क्वेश्चन बनता है। कॉनकैनावेलिन पे आंसर वो एक बार आ चुका है बन करके, आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि कॉनकैनावेलिन के बारे में क्या पूछा था। फिलहाल यहाँ पूछ रहा है हमसे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में इनकरेक्ट क्या हो सकता है, प्लांट टिश्यू प्रोड्यूस ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा ठीक है, 34 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 34 में प्लांट टिश्यू प्रोड्यूस ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो सकता है आपका। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लांट किंगडम। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लांट किंगडम, ये भी बच्चों ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, सेकेंड वाला भी। ओके, यहाँ पे फोर्थ देखिए जरा, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हाँ बच्चों, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे आपका रबर है, है ना, गम है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे हनी है ना, इन सब का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रहता है बच्चों बहुत सारा। तो ये यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर गलत कौन सा लग रहा है, यानी एब्रिन राइजिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, यहाँ तक की बात सही है, लेकिन ये ड्रग की तरह बच्चों यूज नहीं किए जाते हैं, गलत हो जाएगा कि नहीं, वहां जाकर के टॉक्सिन वाले कॉलम को देखिएगा, फिर इसका आंसर करिएगा। चलिए 35 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज इनकरेक्ट। एंजाइम के बारे में गलत जानकारी इनमें से क्या है। ए ऑप्शन में कह रहा है, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर, बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म दे आर इफेक्टिव इवन 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका आंसर कौन करेगा बच्चों, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, कह रहे हैं 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम गर्म करते हैं एंजाइम को, तो ये डीनेचर्ड हो जाता है इसका स्ट्रक्चर, इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही खराब हो जाता है, अब हमारे ये किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल एंजाइम जैसे आपका होता है टैक पॉलीमेरेज बच्चों, ठीक है, ये टैक पॉलीमेरेज नाम का एंजाइम प्राप्त होता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, और इस बैक्टीरिया से ऑप्टेन वाला एंजाइम बच्चों करीब करीब 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड से आराम पे काम करता है, क्योंकि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो गर्म झरनों में ही पाया जाता है, गर्म झरने के पानी सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ग्राफ भी बना हुआ है टेम्परेचर और पीएच के लिए, ये एक ऑप्टिमम पीएच पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स, स्टेटमेंट गलत है बच्चों, मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटीन बट सम आर न्यूक्लिक एसिड, ऐसी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें एग्जाम्पल दिया गया राइबोसोम, तो आंसर सी गलत हो जाएगा, एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये भी ट्रू बात लिखी हुई है। चलिए 36 पे चलते हैं हम लोग, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोएंजाइम। कोएंजाइम बच्चों, कोएंजाइम के बारे में क्या गलत हो सकता है, कोएंजाइम क्या होते हैं बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि ये वाइटामिन्स होते हैं, कुल मिलाकर के कोएंजाइम जो है कह सकते हैं इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो 36 में आपके लिए ऑप्शन क्या बनने चाहिए बच्चों, देखते हैं,
पहला है बोल रहा है एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज अ कोएंजाइम। ठीक है, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ रखा है कि एवरी कोएंजाइम जो है बच्चों, यहाँ पे देखिए कोएंजाइम क्या है बच्चों, कोफैक्टर ही तो है ना, यहाँ पे कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज अ कोएंजाइम, ये बात सही है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट परिपेक्ष में। ठीक, कि एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर होगा और एवरी कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं, ये यहां से बात गलत हो जाएगी बच्चों। कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं हो सकता, कोएंजाइम कोफैक्टर हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यहां पे ये बात गलत लिखी हुई है। बाकी ये देखें एवरी एंजाइम कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज नॉट अ कोएंजाइम, ये ट्रू है बच्चों। मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम आर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड आर कंपोज्ड ऑफ विटामिंस, ये भी बच्चों ट्रू होता है। कोएंजाइम्स आर द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हैं एंजाइम के, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन को करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके की जब स्टेटमेंट आते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। चलिए, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज करके बताइए क्या हो सकता है। नाइट्रोजनस बेसिस आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, नहीं बेटा, यहाँ पर याद कर लीजिए जैसे ये प्यूरिन के स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इस तरीके की आपको यहाँ रिंग दिख जाएगी, इस तरीके से नाइट्रोजन वगैरह आपको लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, ये रिंग ऐसे बनेगी, तो डबल रिंग होती है प्यूरिन में बच्चों, इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक, और पाइरिमिडीन में देखेंगे बच्चों तो आपको सिंगल रिंग देखने को मिलेगी, उसमें भी नाइट्रोजन वगैरह कहीं ना कहीं लगे होंगे। तो यानी ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ना कि बच्चों सीधी चेन होती है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों पहला तो गलत हो रहा है। अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इन नॉट हैविंग फॉस्फेट, सही है, न्यूक्लियोसाइड में केवल राइबोज होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी होता है, तो न्यूक्लियोसाइड अगर डिफर कर रहा है फॉस्फेट से तो उसमें यानी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, ये बात सही है। यहाँ वन टर्न ऑफ बी डी एन हैज 10 बेस पेयर, ये भी बात बच्चों सही है। लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डी एन ए इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, गलत है, यहाँ 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा करेक्ट ऑप्शन में, कि ए एंड फोर्थ गलत है, तो देख लीजिए फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट बता रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। क्लियर, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट बारे में बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 38 में कह रहा है काइटिन एक कॉम्प्लेक्स या हेट्रोपॉलीसेक्राइड अकरिंग इन एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये जो नाग लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म बच्चों एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन होगा। क्लियर, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बात बच्चों करेक्ट पूछ रहा है ना, तो ये बात सही है। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स होता है या हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है, ये भी हम लोगों ने जाना है कि हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, और ये जो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से बनता है, ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन मॉडिफाइड शुगर है, ये भी आपको बच्चों केमिस्ट्री में पढ़ने मिलेगा, ये भी ट्रू है। फिर यहाँ थर्ड कि सेलुलोज शो ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन, गलत है बच्चों, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने ऐसी जानकारी ली है स्टार्च के बारे में, क्योंकि स्टार्च में आपने पढ़ा था कि इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इसके हेलिक्स में जाकर के आयोडीन फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो स्टार्च का जो है ब्लू कलर आता है, जैसे आलू वगैरह के लिए स्टार्च को टेस्ट किया जाता है तो वो रिएक्शन बच्चों ब्लू कलर देती है कॉलोनी में, इसलिए हम उसे बोलते हैं कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, जबकि ये सेलुलोज के लिए कह रहा है, सेलुलोज में इस तरीके के हेलिक्स बच्चों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट बच्चों गलत है। स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल, ये स्टोर हाउस है एनर्जी के, बिल्कुल ठीक है, सही बात है कि अगर प्लांट को करना होगा स्टोर कार्बोहाइड्रेट को तो स्टार्च के फॉर्म में करेगा, और एनिमल को करना होगा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करेगा। राइट एंड ऑफ पॉलीसेक्राइड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, राइट एंड इधर वाला होता है, इस एंड को बच्चों रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, लेफ्ट एंड वाला ये होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, ये भी बच्चों जानकारी सही है, यानी फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट गलत सही है और थर्ड वाला बच्चों गलत है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट थर्ड, थर्ड को छोड़ करके बाकी सब सही है। 39 को देख लेते हैं जल्दी से, 39 में क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट फॉर एन एंजाइम प्रमोटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाई, यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन के लिए किसी एंजाइम के बारे में गलत जानकारी बतानी है, कि क्या गलत जानकारी यहाँ दी गई है। लोवरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कॉजिंग द रिलीज ऑफ हीट विच एक्ट एज अ प्राइमर इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मोशन चेंजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट,
तो 39 का आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, ये सी हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताने थे, ये भी गलत है बच्चों, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोवरिंग करने का काम करता है। जहां पर मैंने ग्राफ पढ़ाए हैं एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड, वहां पर आप जाकर के इस जानकारी को ले सकते हैं बच्चों। 40 में देखिए क्या पूछा गया है, द स्टेप्स इन कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन आर गिवन इन रैंडम ऑर्डर। रैंडम ऑर्डर में आपको एक्शन दे दिया गया है, अब इनका आपको ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर। क्या कह रहा है, यहां से देखेंगे आप, फोर्थ से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन को आप फोर्थ से पढ़िए तो आपको सब समझ में आएगा। कि सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम दैट इज फिटिंग इन टू द एक्टिव साइट, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आपका एंजाइम है, यहाँ एक्टिव साइट है, यहाँ आकर के सबस्ट्रेट इस तरीके से फिट हो जाता है, यहाँ इस तरीके से सबस्ट्रेट बच्चों फिट हो सकता है, ओके। अब जब सबस्ट्रेट फिट हो जाता है तो क्या होता है, एंजाइम अपना शेप अल्टर कर देता है। थर्ड पढ़िए, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। यानी पहले आपका आएगा फोर्थ स्टेटमेंट, फिर आएगा बच्चों थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड के बाद क्या होगा, एक्टिव साइट नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी सबस्ट्रेट होने के कारण ये ब्रेक करेगी बॉन्ड को सबस्ट्रेट की या फॉर्म करेगी, कहते हैं एनर्जी एंड सॉरी एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद यानी सेकेंड आ जाना चाहिए, और सेकेंड के बाद फर्स्ट आएगा कि एंजाइम फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और एंजाइम खुद फ्री हो जाएगा अनदर सबस्ट्रेट से बाउंड होने के लिए। तो यहाँ स्टेटमेंट आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ स्टेटमेंट आपका 39 का करेक्ट होना चाहिए, सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी नहीं होगा ना, पहले होगा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, तो ऑप्शन विल बी बच्चों बी करेक्ट होगा, 40 का है ना, 40 का आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 41 में चलते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत बताइए इन सारे स्टेटमेंट में पढ़ करके कि क्या गलत हो सकता है। नियरली 1/3 ऑफ ऑल एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मेटल एंड फॉर कैटालिटिक फंक्शन, ऐसी जानकारी एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ रखी है, क्लियर है। चलिए मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। मेटल आयन कैसे बनाते हैं बच्चों, मेटल आयन जब भी बनेंगे तो किसके द्वारा बनेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया जा रहा है, मेटल आयन, तो यानी ये भी स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट भी बच्चों सही है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होना चाहिए। मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं साइड चेन के साथ एक्टिव साइट ऑफ मेटल एंजाइम एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, सही है। एनएडी एंड एनएडी को एंजाइम कंटेन विटामिन नियासिन, ये भी जानकारी आपको दी गई एनसीईआरटी में बच्चों, स्टेटमेंट सही है। को एंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे को एंजाइम्स के बारे में बोल रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बट देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, हाँ थोड़ी देर के लिए बनते हैं, क्षणिक होते हैं, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग कैटालिसिस, ओके। तो यानी कि चारों स्टेटमेंट ही सही हो गए, तो कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ द आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 में विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट में से। 42 में द मेटाबोलिक पाथवे इन विच एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू कोलेस्ट्रॉल इज एन एंडोथर्मिक वन, ओके। चलिए ये सही है, वो मेटाबोलिक पाथवे जिसमें एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, एक एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहां हमें बच्चों एनर्जी को लगाना होता है, ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी लग करके काम होगा, सही है स्टेटमेंट। फिर वो पूछ रहे हैं कि एनाबोलिक पाथवे इज एंडरगोनिक वाइल कैटाबोलिक पाथवे एक्सरगोनिक, एनाबोलिक मतलब जिसमें कुछ बन रहा है बच्चों, वहां पर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जहां पर कुछ टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, वहां एनर्जी ऑब्टेंड होगी, तो एक्सरगोनिक हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, विदाउट मेटाबोलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट, कोई सेल है और उसके अंदर अगर साइटोप्लाज्म में मेटाबोलिक रिएक्शन बच्चों नहीं हो रही है तो वह सेल लिविंग नहीं रह गई है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन आपका लग जाएगा। अब यहां से असर्शन रीजन शुरू हो रहे हैं 43 से, अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करेगा तो ए करेक्ट होगा, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होंगे, रीजन करेक्ट असर्शन को नहीं करेगा तो बी होगा, असर्शन ट्रू होगा लेकिन रीजन फॉल्स होगा तो सी होगा, और अगर असर्शन रीजन दोनों गलत होंगे तो बच्चों डी होगा।
इन बातों को आप याद रखेंगे जिससे हम लोग यहाँ बात कर पाएंगे। चलिए 43 की बात करें। अ कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज वेरी टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट है, असर्शन। अ कंप्लीट कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम टुगेदर विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो 43 में बच्चों क्या हो जाना चाहिए, असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, बट रीजन क्या है बच्चों, रीजन जो है वो फॉल्स है, रीजन गलत दिया है, असर्शन ट्रू दिया है। तो यहाँ इस हिसाब से ऑप्शन क्या बनना चाहिए, सी ऑप्शन बनना चाहिए कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। चलिए अब देखते हैं 44 में। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, 44 में देखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी बनेगा डिहाइड्रेशन से बनेगा, मतलब जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो वाटर यहां से बच्चों निकाल दिया जाएगा। सही बात है। ठीक है, इन पॉलीसेक्राइड इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड इज लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है कि जब भी पॉलीसेक्राइड बनता है तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक होते हैं, और जब मोनोसेक्राइड आपस में लिंक होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बनाते समय यहाँ से वाटर निकाल दिया जाता है। तो असर्शन को रीजन कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाने में सम्मिलित है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बच्चों ए हो जाएगा। तो 44 का आपका ऑप्शन बनेगा बच्चों, सॉरी 44 का आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ये नहीं, ये भी बात सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्टली असर्शन को नहीं कर रहा, तो ऑप्शन आपका बनना चाहिए बच्चों बी। ठीक है, रीजन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन बन जाएगा, इसे मैं मिटा देता हूँ जिससे आपको गलत न लगे। चलिए तो ये ऑप्शन बनेगा बच्चों बी। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है आपका 45, असर्शन में दिए हैं कि ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरली कंटेन ग्लाइसिन सेरीन एंड टायरोसिन। बच्चों आप एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद करेंगे, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड के आपको नाम याद करने चाहिए। इसकी एक ट्रिक भी है जो कि मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा। फिलहाल अभी इनकी जानकारी लीजिए कि ह्यूमन डाइट में शुड कंपल्सरी कंटेन होने चाहिए ग्लाइसिन सेरीन एंड टायरोसिन। ठीक है, चलिए रीजन की बात करें, एसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आंसर, रीजन तो गलत है। जरा यहाँ बात कर लीजिए, ग्लाइसिन सेरीन एंड टायरोसिन। ठीक है, तो यहाँ ये गलत आंसर आ रहा है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आ जा रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों ये गलत हो जाएगा। दैट इज असर्शन भी गलत है, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो ऑप्शन आपका बनेगा बच्चों वहां पर डी। ठीक, तो 45 में बच्चों डी करेक्ट होगा। 46 में देखें, अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड विद सैचुरेटेड फैट। असर्शन बोल रहा है कि जो अनसैचुरेटेड फैट होती है वो मोर रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू द अनसैचुरेटेड फैट। ओके, नाउ अनसैचुरेटेड फैट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। नो बच्चों, सैचुरेटेड फैट में बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल होता है। यहां बोल रहा सिंगल बॉन्ड, तो रीजन तो गलत है और assertion बच्चों करेक्ट है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। 47, इन डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन थाइमिन रिच पार्ट मेल्ट बिफोर जीसी रिच पार्ट। कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल में देखें तो ये जो एडेनिन थाइमिन बॉन्ड होता है वो पहले मेल्ट हो जाएगा जीसी रिच पार्ट की अपेक्षा। रीजन देखें तो इन बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन देयर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वेयर इन बिटवीन जी एंड सी देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ 47 में हमसे पूछा जा रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में एडेनिन थाइमिन के बीच यहाँ पर जो कि देखें तो इस तरीके से डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जहां डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन का बॉन्ड बच्चों ये जल्दी ब्रेक होगा, यहाँ तीन बॉन्ड होते हैं तो ये कम देर में प्रकट होगा। तो assertion सही है क्योंकि AT जल्दी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ और यहाँ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो GC में टाइम लगेगा, और इसकी उल्टी जानकारी रीजन में दी जा रही है, यानी assertion बच्चों हमारा करेक्ट है, रीजन बच्चों क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है, तो रीजन गलत हो गया। तो assertion इज ट्रू,
बट रीजन इज फॉल्स, आंसर विल बी, बच्चों आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 48 पे। 48 पे क्या जानकारी आपसे ली जा रही है, द अमीनो एसिड ग्लाइसिन कम अंडर, ड्रॉ कर लेते हैं, द अमीनो एसिड ग्लाइसिन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इट इज ट्रू बच्चों, ठीक है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। रीजन क्या बोल रहा है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये गलत है बच्चों। तो यहां पर assertion true हो जाएगा, reason बच्चों false हो जाएगा, option बन जाएगा आपका C। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों 49 पे। तो बच्चों आपको यहां match करके देना है ये option। तो देखिए fatty acid पूछ रहा है, कह रहा fatty acid इनमें से कौन हो सकता है, कह रहा कि glutamic acid, tryptophan, lecithin, palmitic acid। तो यहां पे आंसर हो जाएगा fatty acid is palmitic acid। Okay, now A का fourth हो गया। फॉस्फोलिपिड का आंसर देखिए करिए, फॉस्फोलिपिड इनमें से कौन आपको मिलेगी, देखिए यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, लेसाइथिन, तो लेसाइथिन आपको एग्जांपल दी गया है, तो ये थर्ड हो जाएगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड इनमें से होता है बच्चों ट्रिप्टोफैन, ये मैंने ट्रिक आपको बताई है। अब एसिडिक अमीनो एसिड बच्चों ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, ए का चौथा, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। 50 में देखें बच्चों, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। कार्बोहाइड्रेट का संबंध किसके साथ है, प्रोटीन का किसके साथ है, न्यूक्लिक एसिड का किसके साथ है, लिपिड का किसके साथ है, तो मिलाते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास स्टोर करने के लिए चाहिए इंसुलिन, ठीक है, क्योंकि मसल्स वगैरह में या लीवर में स्टोर करना है तो इंसुलिन ही करेगी। फिर प्रोटीन का संबंध बच्चों किसके साथ हो जाएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लगेगा ट्रिप्सिन। न्यूक्लिक एसिड बच्चों एडेनिलिक एसिड हो जाएगा, और लिपिड हो जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरीके से आप मैच करेंगे, तो ए का हुआ थर्ड, बी का हुआ फर्स्ट, बी का हुआ आपका फर्स्ट, एंड सी का हुआ फोर्थ, डी का हुआ सेकंड, दैट इज यहां पर जो ए करेक्ट हो जाएगा। 51 का मैच करवाइए बच्चों, यहां पे कोलेजन, कोलेजन किसका हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए, हॉर्मोन के लिए, इंट्रासेलुलर ग्रांड सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा बच्चों ए का तीसरा। और बी, बी में पूछ रहा है ट्रिप्सिन क्या है, तो ये हो जाएगा एंजाइम बच्चों, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इंसुलिन, इंसुलिन इनमें से क्या हो जाएगा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो दैट इज ये हो जाएगा सेकंड। एंड ग्लूट फोर बच्चों किसके लिए जरूरी है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 3421, 3421 दैट इज ऑप्शन विल बी ए करेक्ट। 52 में फिर पूछ रहा है बच्चों मैचिंग करने के लिए, तो चलिए मैच कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वाटर, वाटर कितना हो जाएगा बच्चों, वाटर यहां से हो जाएगा दैट इज 70-90% वो बनाता है, तो ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा सेकंड। प्रोटीन को बच्चों देखेंगे तो यहां प्रोटीन हो जाती है बच्चों 10-15%, दैट इज ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे बच्चों सी का, तो ये हो जाएगा 3%, दैट इज यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिपिड्स को देखिए, लिपिड्स का बच्चों हो जाएगा 2%, दैट इज यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नाउ एक अकेला ऑप्शन यहाँ बच रहा है फोर्थ। न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा बच्चों 5-7%, दैट इज आपका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट। 53 में फिर से बच्चों मैचिंग का ही सवाल आपसे पूछ रहा है कि आप मैच करके दादाइए, पिगमेंट्स का संबंध किसके साथ है, कॉनकेनावलिन, मोनोप्टेरॉन डाइट्रम, कैरोटेनॉइड, एंथोसायनिन, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन पिगमेंट में आ जाएगा। टर्पीनेनवाइट्स, टर्पीनेनवाइट्स में देखिए बच्चों क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका दैट इज मोनोटर्पीन एंड डाइटर्पीन, ये तो सामने ही लिखा हुआ है, तो बी का सेकंड हो जाएगा। और सी का देखिए बच्चों एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, मॉर्फिन एंड कोडेन्स आपके एल्केलॉइड्स होते हैं, तो थर्ड हो जाएगा। एंड लैक्टिन्स बच्चों कॉनकेनावलिन ए है, ये ही ऑप्शन आया था आपसे, वहां पूछा गया था, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, याद रखिएगा कॉनकेनावलिन का, तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 4-2-3-1, 4 है 3 है, नहीं गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये भी बच्चों ए सही हो जाएगा। 44 में आइए, फिर से हमें मैच करना है, सॉरी 54 में देखते हैं किसका हो जाएगा। कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर बच्चों किसका बना होता है, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड द सेलुलोज, तो 54 में ये जो आपका बनेगा दैट इज सेलुलोज, ये हो जाएगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन, क्लियर। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच जो बना होता है वो काहे का बना होता है, काइटिन का बना होता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन।
लीवर में बच्चों क्या स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. एंड पील्ड पोटैटो में स्टार्च होता है, दैट इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट. तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन विल बी बच्चों बी करेक्ट. चलिए यहाँ पे एंजाइम के फंक्शन और कैटेगरी के अनुसार आपको करना है. तो ये बताना है, इधर आपके एंजाइम्स लिखे हुए हैं, इधर आइसोमेरेज एंजाइम बच्चों क्या होता है, आइसोमेरिज्म कराएगा, ऑक्साइडो रिडक्टाइज करता है, एक जो सब्सट्रेट होता है उसका रिडक्शन कराता है, दूसरे आपको जो सब्सट्रेट दिया है उसका बच्चों ऑक्सीडेशन कराता है, लाइगेज बच्चों बॉन्ड्स को जोड़ता है, और लाइएजेस बच्चों ये तोड़ने का काम करता है, हाइड्रोलाइज करता है. ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप मैच करने जाएंगे, दैट इज 55 में. तो 55 में आप क्या पाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा. ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा कि कौन सा मैच करता है जो मैंने आपको बताया. 56 में देख लेते हैं, 56 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड रॉन्गली मैच विद द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट. पहले आप जानिए कि अगर एडिनिन और ग्वानिन होंगे तो ये प्यूरिन होंगे बच्चों. ठीक है, एडिनिन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं. कैसे याद करेंगे इनको, ऐसे याद करेंगे, टी ए पी यू, गप्पू से आप याद कर लेंगे. ठीक है, गप्पू से आपको याद हो जाएगा कि ये ग्वानिन एडिनिन प्यूरिन होते हैं. इसके अलावा सब प्यूरिडिन. तो यहाँ पे एडिनिन थाइमिन को प्यूरिन कह रहा है, गलत है बच्चों. तो आपसे पूछ रहा था रॉन्गली मैच ना, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट हो जाएगा. बस भाई देखिए, थाइमिन यूरेसिल पिरिमिडिन हो गए, यूरेसिल साइटोसिन पिरिमिडिन हो गए, ग्वानिन एडिनिन प्यूरिन हो गए. तो ये से तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. मार्क द ऑड पेयर इन द फॉलोइंग. प्रोटीन अमीनो एसिड के बने हुए हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ग्लिसरॉल को कह रहा है फैटी एसिड का बना हुआ है, और सेलुलोज मोनोसैकेराइड का बना हुआ है. तो ये 57 में बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फैटी एसिड केवल ग्लिसरॉल के बने नहीं होते हैं. चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से गलत कौन सा हो गया है. फंजाई में बच्चों कैटिन की सेल वॉल होती है, फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, एंजाइम लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ऑप्शन यही गलत हो जाएगा बच्चों. एटीपी तो न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव होता ही है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन आ रहा है ना, एडेनिन जुड़ा रहता है बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड का ही तो डेरिवेटिव हुआ. फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर, गलत बताइए इनमें से बच्चों. आपसे पूछ रहा है कि 59 में गलत कौन सा हो जाएगा, 59 में कौन सा गलत होगा बच्चों. देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोज है, ठीक है, राइबोज है प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि ये शुगर होता है बच्चों, 5 कार्बन के शुगर की कैटेगरी में ये आता है, दैट इज राइबोज शुगर, प्राइमरी मेटाबोलाइट है. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, एंथोसियानिन है, ये भी एग्जांपल आपको गिवन है. काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेक्राइट है जो कि हेट्रोपॉलीमर है, ये भी सही है. सेलुलोज को बोल रहे हैं बच्चों हेट्रोपॉलीमर, जाकर के एनसीईआरटी को पढ़िए बच्चों, ये होमोपॉलीमर है. ठीक है, इट इज अ होमोपॉलीमर बच्चों. यहाँ पे ये ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें होता है, 1,6-glycosidic बॉन्ड होता है, उसकी वजह से ये बनता है बच्चों. ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 पे. चूज द मिसमैच्ड पेयर. तो 60 में आपसे पूछ रहा है कि मिसमैच पेयर बच्चों बता दीजिए. ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक एमिनो एसिड है, ये जानकारी आपके पास है क्योंकि इसमें एसिड लगा हुआ है. लाइसिन एक प्रकार का बेसिक एसिड है, अभी मैं बता चुका हूँ आपको लाभ होता है यहाँ पे. बेसिक का मतलब बी का मतलब बेसिक, एच का मतलब हिस्टिडीन, ए का मतलब आर्जिन, और एल का मतलब लाइसिन, तो ये भी सही है. फिर पूछ रहा है फेनिल एलानिन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने भी ट्रिक पढ़ी थी. अरे फिर टाई ट्राई करो, तो वैलिन क्या कह रहा है, चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता बच्चों, ये गलत ऑप्शन है, इट इज अ नॉट चार्ज अमीनो एसिड. फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन पेयर. 61 में से आपको ऑड पेयर निकालना है जो कि गलत पेयर है. इन सब में पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रू है बच्चों, इट इज स्टेटमेंट. प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ये भी ट्रू है. फैट में ईस्टर बॉन्ड होता है, हाँ, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, जैसे ग्लिसरॉल है ना, और यहाँ पर बच्चों अगर हमें फैटी एसिड को जोड़ना है, जो कि वहां पे देखिए स्ट्रक्चर में R1, R2 एंड R3 जुड़े हुए हैं, तो वो जो जुड़े हुए ग्लिसरॉल से जिस बॉन्ड के द्वारा, इस बॉन्ड को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड बच्चों. ईस्टर बॉन्ड दो जगह आपको देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ पर, और दूसरी जगह जब राइबो शुगर के 5th कार्बन वाले एंड से जुड़ेगा बच्चों आपका फॉस्फेट, तब ईस्टर बॉन्ड आपको दिखेगा. तो यहाँ ऑप्शन जो गलत होना चाहिए, तो 3 तो ट्रू हो गए. फिर कह रहा पॉली न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से रॉन्गली कौन सा मैच्ड है ये बता दीजिए.
राइबोसोम प्रोटीनियसिस इन नेचर होता है, जो कि गलत है। इट इज अ बच्चों आरएनए नेचर, 23S आरएनए का बना होता है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। को एंजाइम बच्चों लूजली अटैच्ड होता है, ये भी सही है, ये ऑर्गेनिक है होलो एंजाइम का। को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है होलो एंजाइम का, ये भी बात सही है। तो गलत हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग चलते हैं 63 में। फाइंड आउट द करेक्ट मैच, यहाँ पे करेक्ट मैच आपको बताना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ होना चाहिए बच्चों फ्रक्टोज, है ना। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्टार्च जो है स्पाइरल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी गलत है। यहाँ पे बच्चों स्पाइरल नहीं, हेलिकल होते हैं, इस तरीके से हेलिक्स होते हैं, इसीलिए इनमें आयोडीन कैप्चर हो जाती है और ये टेस्ट में बच्चों ब्लू कलर हमें दे देता है, जबकि ग्लाइकोजन नहीं देता है, है ना बच्चों। तो स्टार्च सॉरी सेलुलोज नहीं देता है, सेलुलोज ब्लू कलर नहीं देता, ग्लाइकोजन भी नहीं देगा, स्टार्च ही देगा। फिर सेलुलोज कंपोनेंट ऑफ है सेल वॉल का, ये हम लोगों ने बच्चों बचपन से ही जानकारी पढ़ रखी है, सेवंथ ईयर्स से अब तो आने लगी है कि सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में पाया जाता है। तो यहाँ 63 तक हमने खत्म किए। अब आपके पास जो सेक्शन आ रहा है वो डायग्राम बेस्ड आ रहा है, तो आपको एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से बच्चों स्टडी करना है, उन्हें बना बना करके देखना है, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ कौन सा बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है ये याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। विच ऑफ द टू ग्रुप मार्क्ड एज 1, 2, 3, 4 एंड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड, यहाँ कह रहा है कि कौन से इनमें से टू ग्रुप हैं हम इनको मार्क कर सकते हैं फॉलोइंग फॉर्मूला पेप्टाइड बॉन्ड बनवाने में, इन डिफरेंट अमीनो एसिड में कौन से इसमें से बॉन्ड जरूरत सम्मिलित होंगे बच्चों। यहाँ देखिए कह रहा है कि ये वाला ग्रुप सम्मिलित होगा, ये वाला ग्रुप सम्मिलित होगा, कि ये ग्रुप सम्मिलित होंगे। तो याद करिए बच्चों, इसके बाद पुनः एक अमीनो एसिड आएगा जिसमें फिर से ऐसे ही जुड़ा होगा H2NC, फिर इधर H, यहाँ पर एल्किल ग्रुप और यहाँ पर COA ग्रुप। तो यहाँ देखिए NH2 ग्रुप किससे जुड़ेगा बच्चों, इस तरीके से COS से जुड़ेगा और CO ग्रुप फिर आगे चल के NH2 से जुड़ेगा। यानी पेप्टाइड बॉन्ड में अगर हम लोग देखें तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने में ये सम्मिलित है, तो थर्ड हो गया और फर्स्ट हो गया, तो थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है बी में, क्लियर। चलिए अब 65 में पूछ रहा है, 65 में क्या जानकारी ली जा रही है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर शोन इन द गिवन फिगर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन को परिभाषित कर पा रहा है। 65 में आंसर देखिए बच्चों, तो ये फर्स्ट वाला तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें हेलिक्स बने हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है, और प्रोटीन में क्या हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि प्रोटीन जब तक इट्सेल्फ अपने ऊपर इस तरीके से फोल्ड नहीं हो जाती, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसे हेलिक्स जरूर बन जाते हैं लेकिन जब ये प्रोटीन अपने ऊपर इट्सेल्फ फोल्ड हो जाती है तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर आपका बच्चों एक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन की क्रियाविधि के लिए। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा क्या जा रहा है वो देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ सी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बी आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है और सी आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है, डी आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्लियर। चलिए ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग, ये वाला हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अब अगले सेक्शन पे 65 के बाद 66 नंबर आने जा रहा है, 66 पे देखते हैं 66 पे क्या दिया हुआ है। 66 के बारे में पूछ रहा है कि ये स्ट्रक्चर किसका गिवन है, जाकर के एनसीईआरटी की बुक खोली, ये पूरा स्ट्रक्चर बच्चों बढ़िया से बिठा लीजिए, ये वन रिंग हो गई, ये टू रिंग हो गई, ये थर्ड रिंग हो गई, ये फोर्थ रिंग हो गई और ये फिफ्थ बच्चों इनकम्प्लीट रिंग है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 तो कंप्लीट रिंग लगी हुई है, साथ में OH लगा हुआ है और इधर एक ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन का है और यहाँ पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ये 2 मिथाइल है, 1 मिथाइल की ब्रांच यहाँ जुड़ी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर को आप ड्रा कर लेंगे और बता देंगे ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों, इट इज अ लिपिड स्ट्रक्चर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर है। रिफर टू द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिलिक एसिड है, एडेनिलिक एसिड है इसमें मतलब है नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं, शुगर जुड़ी हुई है और फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजनस बेस यहाँ कौन सा होगा बच्चों, यहाँ होगा एडेनिन, दैट इज एक प्रकार का प्यूरिन जुड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पूछ रहा है बताइए कि यहाँ ए क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। रिफर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिलिक एसिड इन दिस आइडेंटिफाइड ए, और ए को यहाँ पर ये जोड़ा गया है, ये वाला बॉन्ड बच्चों,
तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकंड कार्बन हुआ, थर्ड कार्बन हुआ, फोर्थ कार्बन हुआ, और बच्चों ये फिफ्थ कार्बन हुआ। अब इस फिफ्थ कार्बन पे OH मौजूद होता है, इस OH में H हटा करके देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड जुड़ गया, दैट इज ये इतना ग्रुप आपका फॉस्फेट लगा हुआ है। तो फॉस्फेट इस कार्बन के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ता है ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दैट इज ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 68 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 67 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द एडजॉइनिंग ग्राफ शोज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एंजाइम एक्टिविटी आइडेंटिफाइड ए एंड बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी एंड सी में बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ बी क्या होगा, ए क्या होगा। चलिए मैच करते हैं, हम लोग मैच करना शुरू करते हैं। तो 68 में आप ऑप्शन जा करके देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, इस तरीके से आप आपको अच्छे से दिखेगा, ये दिखेगा आपको बच्चों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ए क्या होगा, दैट इज आपका ए हो जाएगा वी मैक्स। यहाँ पर रेट सबसे ज्यादा हाइयर चल रहा है, रेट ने सबसे ज्यादा अपना अचीवमेंट कर लिया, तो ये वी मैक्स हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज ये। अब बी को देखिए, तो बी क्या बता रहा है, यहाँ पर बच्चों जो है रेट जो है वो हाफ ऑफ वी मैक्स अटेन हो गया है। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट जो सबस्ट्रेट के लिए ये क्या कहलाता है, याद करिए ये कहलाता है KM वैल्यू। तो यहाँ पर ये KM वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखें यहाँ पे थर्ड वाले में पूछ रहा है कि सी क्या होगा, तो सी हो जाएगा हाफ ऑफ वी मैक्स, यानी यहाँ ऑप्शन करेक्ट क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 69 में देखते हैं हम लोग, 69 में यहाँ ग्रुप वॉज दिया हुआ है अमीनो एसिड का, तो ये वाला बच्चों ग्लाइसिन हो जाएगा। देखिए यहाँ एच लगा हुआ है तो ग्लाइसिन वाला ऑप्शन, तो एलानिन गलत हो गया, टायरोसिन गलत हुआ, सिस्टीन भी, तो यह ऑप्शन मिल गया कि ग्लाइसिन हो गया, CH3 जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप तो एलानिन हो जाएगा, और CH2H ग्रुप जुड़ा होगा तो सीरीन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इट इज अ एलानिन एंड इट इज अ सीरीन, यहाँ पे ये एलानिन हो जाएगा। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन बिलोंग्स टू, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बच्चों किससे मिलता है आप बताएंगे क्या, तो ये बच्चों हमसे मिलता है, दैट इज 70 में हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, ये हम लोगों ने पढ़ा है जब हम न्यूक्लिक एसिड का ग्रुप पढ़ रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ देखिए ये राइबोस से मैच मत कर दीजिएगा कि आप इसे राइबोस से जा करके मैच करने लग जाए, न्यूक्लिक एसिड में ऐसा ही देखा है, लेकिन वहां पांच कार्बन का था ना बच्चों, पांच कार्बन का। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठे में यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, दैट इज ये किसका स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों, तो आप केमिस्ट्री में जाकर के देखेंगे यहाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से रिंग में स्ट्रक्चर दिखता है, रिंग स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज डालेंगे आप वहां तो आपको दिख जाएगा। चलिए 71 में आपसे पूछ रहा है कि द गिवन ग्राफ शोज कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि ये एंडोथर्मिक का कर्व है कि आपका एक्सोजर्निक का कर्व है, एक्सोथर्मिक का कर्व है, ये बच्चों एक्सोथर्मिक का कर्व है। ठीक है, क्यों एक्सोथर्मिक का कर्व है, क्योंकि देखिए सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल पोटेंशियल यहाँ ऊपर है और प्रोडक्ट का नीचे है, इस तरीके का ग्राफ जो होता है वो एक्सोथर्मिक के लिए होता है। अब हमें क्या बताना है देखते हैं, कह रहा है लेबल किया गया 1, 2, 3, 4 के साथ, कोरिलेट करना है स्टेटमेंट को 1, 4, 3, 4 विद 1, 2, 3, 4 के साथ। तो यहाँ पर 71 को बताना है, कोरिलेट करना है, जैसे इन्होंने कहा सेगमेंट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सेगमेंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, सेगमेंट वुड बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिएक्शन वेर कैटलाइज और अनकैटलाइज। तो यहाँ देखिए आप, आपको समझ में आएगा। यहां से देखेंगे बच्चों ये एनर्जी इस तरीके से जा रही है और यहाँ पर इस तरीके से ये बन रही है, ये प्रोडक्ट को फॉर्म्ड किया जा रहा है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि इनका संबंध किन के साथ हो सकता है। 71 में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप मैच करेंगे तो 71 में जो 1 का संबंध है बच्चों, फर्स्ट का संबंध यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा है इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ अब देखिए ये 1 का संबंध किसका है बच्चों, फर्स्ट से ही तो होगा। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या बता रहा है, सेगमेंट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये बता रहा है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। अगर सेकेंड स्टेटमेंट की बात करोगे तो यहाँ पर देखें हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड से करेक्ट हो जाएगा। सेगमेंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज बाई द रिएक्शन, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो फ्री हुई है, प्रोडक्ट के पास होगा इसका लेवल। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया आपका। थर्ड में देखिए
ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहाँ दिखती है आपको बच्चों, ये दिखती है थर्ड वाली स्टेट जो है, ये स्टेट बच्चों मार्क की जाती है ट्रांजिशन स्टेट, जिसे मैं TS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी थर्ड का थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ, सेगमेंट वुड बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिएक्शन वर अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड। तो फोर्थ का बच्चों फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक, ये जो सेगमेंट है ये बताता है कि रिएक्शन वर कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड। अगर अनकैटलाइज्ड होगा तो यहां तक लेवल जाएगा, और कैटलाइज्ड होगा तो यहां तक होगा। ये एनर्जी को बच्चों डाउन करा ले जाएगा एंजाइम, और जाकर के प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, यहाँ पे बच्चों बन जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट, दैट इज आपको ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर 71 में बी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए 72 का देखिए बच्चों, व्हाट इज द डिनोटेड बाई एक्स एंड वाई इन द गिवन ग्राफ। एक्स वाई बच्चों क्या बताते हैं इस ग्राफ में, तो बच्चों यहाँ मैच करने वाली बात है एक्स एंड वाई। तो बी ऑप्शन को पढ़िए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्स क्या बता रहा है बच्चों, एक्स बता रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। देखिए, क्योंकि इसने एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया है, पहले इतनी ज्यादा थी, ये वाली थी इतनी, यहाँ पर अब एक्स ने क्या किया, इसको डाउन कर दिया। तो एक्स का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर एंजाइम जो है वो बच्चों काम कर रहा है, तो यानी एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम हो जाएगा। उसके बाद वाई को देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा हाइयर है और तब जाके ट्रांजिशन स्टेट होकर के प्रोडक्ट बना रही है, यानी यहाँ पर एंजाइम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 72 का बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद आ जाता है आपका 73 को हम लोग देख लेते हैं। 73 में क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द गिवन ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ pH ऑन द वेलोसिटी ऑफ टिपिकल एंजाइम रिएक्शन। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से किसका असर पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ pH ऑन द वेलोसिटी ऑफ टिपिकल एंजाइम। तो ये देखिए, pH और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनता था बच्चों, इसी तरीके का बनता था। तो यहाँ देख लीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 74 का देखिए, द कर्व बिलो शोज एंजाइमेटिक एक्टिविटी विद रिलेशन टू थ्री कंडीशन, pH, टेम्परेचर, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस x एंड y। 74 में हमें x एंड y की एक्सिस को बताना है कि x एक्सिस पे क्या होगा और y एक्सिस पे क्या होगा। तो x एक्सिस पे क्या हो सकता है बच्चों, x एक्सिस पे देखें यहाँ, तो x एक्सिस पे हम लोगों को टेम्परेचर मिल सकता है, वरना तो बच्चों pH मिल सकता है। तो यहाँ देखिए, x एक्सिस पे pH है ही नहीं, टेम्परेचर वाला एक ऑप्शन है, यानी यही हो सकता है। तो x एक्सिस पे बच्चों टेम्परेचर ले लिया, तो y एक्सिस पे क्या चला जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी चली जाएगी। तो ऑप्शन विल बी बी करेक्ट। अगर pH वाला भी ऑप्शन दिए होते तो और बढ़िया होता, तब थोड़ा कंफ्यूजन होता इस क्वेश्चन को करने में कि हम क्या करें। चलिए 75 का करके बताइए, द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है बच्चों, 800 डाल्टन के आसपास है ना, इनसे लेकर के। स्मॉल मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाइड द कैटेगरी शोन वन ब्लैक कंपोनेंट मार्क एज एक्स, इनमें से एक्स। तो ये बच्चों आपका जो शुगर है वो राइबो शुगर है, क्या है ये, एक प्रकार का राइबो शुगर आपको यहाँ दिया गया है। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ कार्बन यहाँ पर गिवन है। चलिए, ये कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हो सकता बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ फॉस्फेट नहीं दिख रहा है, अगर फॉस्फेट होता तो न्यूक्लियोटाइड होता, और ये अमीनो एसिड भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये न्यूक्लियोसाइड है बच्चों, और यहाँ पे जो कंपाउंड एक्स जुड़ेगा, एक्स जो भी यहाँ जुड़ेगा वो यूरेसिल जुड़ेगा, दैट इज एक प्रकार का वो पिरिमिडीन होगा, ठीक है। चलिए 76 में बताइए, 76 एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये किसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें दिया गया है। तो 76 में देखिए, 76 के ऑप्शंस बने हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ए एंड बी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद इट्स रिलेशन एंड फंक्शन। तो 76 में यहाँ बना दिए हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर कहाँ बनाया है बच्चों, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया होगा यानी इसके नीचे, चलो तो देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर ये वाला इन्होंने बना करके दिया हुआ। अब हमें इनसे पूछ रहे हैं कि कौन सा को रिलेट कर रहा है इनमें से। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा ए वाला, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ए वाला जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों लेसाइथिन है, और ये लेसाइथिन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, जाकर के एनसीईआरटी पढ़िए,
उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है लेसाइथिन का, और बताया गया भी कि एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बाकी ये स्ट्रक्चर जो देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बच्चों प्यूरीन का होगा, ठीक है, प्यूरीन का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ देखिए एडनीन और न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, गलत। ट्राइग्लिसराइड है, बी गलत। बी यूरेसिल है कंपोनेंट ऑफ डीएनए, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पिरिमिडीन है ना, यूरेसिल बच्चों पिरिमिडीन है, तो उसमें सिंगल रिंग होनी चाहिए, सिंगल रिंग आएगी। यहाँ डबल रिंग दिया है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो केवल डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 77 का बताइए बच्चों, 77 में ये ग्राफ क्या शो करके आपको बता रहा है। तो यहाँ देखिए सबस्ट्रेट को बढ़ाने के साथ यहाँ बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ इस तरीके से रहा और देन फिर बच्चों डिक्रीज हो गया। द गिवन ग्राफ शो द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द एंजाइम ग्रीन ग्राम फॉस्फेटेज, व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट, यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है। तो द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बात सही है, ठीक है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे घटा रहे हैं अगर हम घटाने लग जाएं, यानी आगे चल के यहाँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो ये गिरेगा। लेकिन यहाँ देखिए मैक्सिमम हो गया, रेट कांस्टेंट हुआ है यहाँ पर, आगे चल के हो सकता है कि यहाँ हल्की सी कमी आई है, लेकिन यहाँ से तो पता चल रहा है कि इंक्रीज हुआ है, ग्राफ में इंक्रीज हुआ है, यानी सबस्ट्रेट के बढ़ने के साथ बढ़ा है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। बी को देखिए, प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनहिबिटर इन द रिएक्शन मिक्सचर, गलत है, यहाँ कोई ऐसा रोल है ही नहीं कि अचानक कर्व गिर गया हो। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हुआ है, नो बच्चों। एट हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पीएच इंक्रीज हो जा रही है, नहीं बच्चों, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 को देखिए, 78 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्विटर आयन, चलिए ज्विटर आयन कौन होता है, ज्विटर आयन बच्चों वो आयन होता है जिसमें दोनों में चार्ज होते हैं, CO पे भी और NH2 ग्रुप पे भी चार्ज आ जाता है, और ये काम करता है एज अ बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की तरह। तो 78 का इस हिसाब से आपका बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 78 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ये 78 तक कर लिए, अब 79 पे जाना है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग वाले थोड़े क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वेट परसेंटेज द फर्स्ट थ्री एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी आर, अगर वेट परसेंटेज की बात करें तो पहले कौन से करेक्ट हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, वेट परसेंटेज के आधार पे बात करें तो हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है, कार्बन का बच्चों 6 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक वेट, ठीक है, तो उस आधार पे बच्चों कैसे हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 की बात करेंगे, इन द कंपोजिशन ऑफ सेलुलर मास अरेंज द कंपोनेंट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास परसेंटेज, मास परसेंटेज के आधार पे बच्चों इनको हमें अरेंज करना है, तो बी वाला ऑप्शन पढ़िए बच्चों, प्रोटीन बच्चों 52%, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी प्रोटीन का जो होगा मास परसेंट सबसे ज्यादा होगा, न्यूक्लिक एसिड का मास परसेंट उससे कम होगा, कार्बोहाइड्रेट का उससे कम, और लिपिड का सबसे कम हो जाएगा बच्चों। लिपिड तो वैसे भी आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में ही मिली थी ना, वहां पे 800 डाल्टन वाली जो सीरीज है उसमें मिला था लिपिड, और ये सब बच्चों मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका सब 10,000 डाल्टन के आसपास वेट होगा, तो ये ऑप्शन वहां से बनाया गया है। इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन देन व्हाट वुड रिमेन, कह रहा है कि अगर सारे पेप्टाइड के बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, केवल क्या बचेगा, अमीनो एसिड्स बचेंगे, ये तो हंसने वाला क्वेश्चन है कि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप तोड़ दे रहे हैं तो क्या बचेगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड को निकाल देंगे तो केवल और केवल अमीनो एसिड ही शेष रह जाएंगे। रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन इज सिमिलर टू द वन फाउंड बिटवीन, कह रहा जो रिलेशन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के बीच होता है वो सिमिलर होता है किसके साथ, तो 82 में आप देखिए ये किसके साथ हो जाएगा बच्चों, ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ नहीं, थायमिन यूरेसिल के साथ नहीं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लिक एसिड के साथ भी नहीं बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड के साथ, रिलेशन बिटवीन अमीनो एसिड प्रोटीन सिमिलर टू वन फाउंड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड। चलिए तो 82 का आपका डी ऑप्शन हो गया। 83 देखिए बच्चों, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये बात हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए आपको वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना पड़ता है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर OH, बेस शुगर फॉस्फेट की मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, शुगर फॉस्फेट होता है, यहां से तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, शुगर फॉस्फेट से तो कुछ बनने वाला नहीं है, बेस शुगर OH से भी नहीं बनेगा, तो बनेगा किससे, ए ऑप्शन से। फिर 84 का देखेंगे,
एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बच्चों यहाँ याद हो आपको, एक होता है एंड 3-5 एंड, तो दूसरा एंड होता है बच्चों 3-5 एंड। या आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मुझसे स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर जो है यह बताया, क्या बताता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मींस दैट द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड एट देयर एंड्स शेयर एट द सेम पोजीशन। बी में पूछ रहा है द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड आर इन द अपोजिट पोजीशन, वन स्ट्रैंडेड टर्न क्लॉकवाइज, वन स्ट्रैंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। 84 का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों बी, कि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है एट द स्टार्ट ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड आर इन अ अपोजिट पोजीशन। बच्चों अगर इधर दिखेगा इसमें, तो इसमें बच्चों इधर की दिखे और दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेंगे अपोजिट मैनर में। इस वजह से ये दोनों स्ट्रैंड बच्चों एंटी पैरेलल नजर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का क्या लक्षण इनमें से नहीं है। 85 के ऑप्शन को आप रीड करिए बच्चों, तो सी वालों को देखिए जरा, कि दे आर यूज्ड अप इन द रिएक्शन। क्या ऐसा होता है रिएक्शन में खत्म हो जाते हैं पार्टिसिपेट करके? ऐसा नहीं होता बच्चों, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्टेटमेंट सही है, कि दे आर सब्सट्रेट एंड स्पेसिफिक नेचर सही है, दे आर प्रोटीनेसेस इन नेचर, प्रोटीन नेचर ही होता है सही है, दे स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये भी बच्चों सही है। ठीक है चलिए 86 में चलिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये बात सही है। हाँ, दिस स्टेटमेंट नाउ मॉडिफाइड बिकॉज एन अपरेंट एक्सेप्शन टू दिस बायोलॉजिकल ट्रूथ। अब इसका बच्चों एक्सेप्शन क्या है, कि हाँ बाकी सब तो सही है कि प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन एक एंजाइम ऐसा मिला जो आरएनए का बना हुआ है, दैट इज राइबोसाइम, तो एक्सेप्शन हो गया बच्चों हमारा राइबोसाइम, कि हाँ कोई एक एंजाइम ऐसा भी है जो न्यूक्लिक एसिड का भी बन सकता है। फिर 87, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाई, इसको कौन बनाता है? सम बैक्टीरिया, एल्गी, ग्रीन प्लांट्स तो बनाते हैं, वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया, गलत हो जाएगा। ऑल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी बच्चों, ये भी गलत ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन केवल बचेगा 87, कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी है, ग्रीन प्लांट्स ये बनवाते हैं। 88 की बात करेंगे, 88 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड, करेक्टली कौन कैरेक्टराइज इनमें से हो रहा है? लेसाइथिन को देखें तो एक फॉस्फोग्लिसराइडेड ग्लिसराइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो बच्चों ये तो बात सही है कि फॉस्फोलिपिड है, तो ऑप्शन तो ये तो ये करेक्ट हो रहा है। आगे देख लेते हैं, पामेटिक एसिड एंड अनसेचुरेटेड 18 कार्बन है, गलत, 16 कार्बन का होता है। एडेनिलिक एसिड, एडेनोसिन विद अ ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, बच्चों गलत, ग्लूकोज नहीं आएगा। एलानिन अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप कंटेन करेगा, एंड एसिडिक अमीनो ग्रुप, एनीवेयर नहीं, गलत बच्चों। ठीक है चलिए 89 में देखिए, द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड लीस्ट बाई, इफेक्टिवनेस ऑफ एंजाइम जो है इनमें से चार ऑप्शन में से किससे सबसे कम अफेक्ट होगी? तो 89 का आप ऑप्शन रीड करिए, यहाँ देखिए बच्चों सी वाला, ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सिस्टम से लीस्ट यहाँ पे इस पे फर्क पड़ेगा। बाकी टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओगे तो एंजाइम पे असर आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट घटाओ बढ़ाओगे तो असर आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम की घटाओ बढ़ाओगे तो भी असर आ जाएगा। चलिए 90 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच टू द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट देम, करेक्टली कौन मैच कर रहा है? लाइसिन, ग्लाइसिन, थायामीन, एक प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं। लाइसिन ग्लाइसिन तो है, थियामीन प्रकार का बच्चों यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। एरेकिडोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, फैटी एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड एक बच्चों फैटी एसिड नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन ये न्यूक्लियोसाइड हैं, ये भी बच्चों गलत हो जाएगा। सेलुलोज, इनुलिन, ग्लाइकोजिन, पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 90 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर इन एनिमल इज आ, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है वो क्या है बच्चों? होमोपॉलीसेक्राइड है कि ऑलिगोसेक्राइड है कि एक प्रकार का हेट्रोपॉलीसेक्राइड है या फिर वो डाइसेक्राइड? आंसर इज होमोपॉलीसेक्राइड, दैट इज वो स्टोर फॉर्म क्या होती है बता सकते हैं आप लोग? ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम लोग इसको स्टोर करते हैं। सेलेक्ट द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ देखिए सबस्ट्रेट है, ग्रुप है और फिर सबस्ट्रेट है। अब यहाँ देखिए कि ये ग्लूको, ये जो ग्रुप था वो अगेन एस डैश पे चला गया है, मतलब ट्रांसफर कर लिया गया है, तो कौन सा एंजाइम यहाँ लगेगा? ट्रांसफर वाला करने वाला, दैट इज ट्रांसफिरेज। ठीक चलिए, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइम रिएक्शन इज, परमानेंट होता है बट अनस्टेबल होता है, ट्रांजिएंट होता है, अनस्टेबल होता है,
परमानेंट होता है, स्टेबल होता है, कि ट्रांजिएंट होता है बट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बच्चों बी करेक्ट होगा, ट्रांजिएंट होता है साथ में अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन गया लेकिन अब इसमें बॉन्ड ब्रेक होंगे वरना बनेंगे, और जाकर के ये बच्चों एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, और प्रोडक्ट यहां से फ्री हो जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा अगेन सब्सट्रेट को पकड़ने के लिए। चलिए 94 की बात करें, फॉर अ प्रोटीन टू हैव अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इट मस्ट, अगर किसी प्रोटीन के पास 4 डिग्री स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, तो इसके पास क्या होना जरूरी है बच्चों? हैव 4 अमीनो एसिड, नो बच्चों, अमीनो एसिड की तो कोई भी चेन हो सकती है। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, हैव एटलीस्ट 4 डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो यहां पर बच्चों 94 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कि इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की सब यूनिट्स तो होंगी ही। चलिए 95 को देखें, द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अगर आपको बताना हो तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? कह रहा है ये डाइमर होता है कि आइडेंटिकल सब यूनिट का, डाइमर ऑफ डिफरेंट सब यूनिट, टेट्रामर होता है 4 सब यूनिट का, टेट्रामर होता है 2 डिफरेंट सब यूनिट्स का। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बच्चों टेट्रामर होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन ग्लोबिन की होती है, तो यानी 2 और 2 यानी 4 चेन हो गई, तो ये टेट्रामर स्ट्रक्चर हो गया और इसमें 2 डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, देखिए अल्फा एंड बीटा, तो ऑप्शन विल बी डी करेक्ट। नाउ 96 को देखें, एट टेम्परेचर नियर फ्रीजिंग पॉइंट एंजाइम क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेटेड, स्लाइटली एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड तो नहीं होंगे, स्लाइटली इनएक्टिवेट होंगे, ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, तो 96 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 97 को देखें, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग, बच्चों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, फॉस्फेटस का आंसर होगा। हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज प्लस एटीपी को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी में कन्वर्ट करता है, बिलोंग टू द कैटेगरी, अब देखिए यहाँ ग्लूकोज था और एटीपी मिलकर के यहाँ पर एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ला दिया है, तो 98 में आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना चाहिए? ये ट्रांसफर कर रहा है ग्रुप को, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ट्रांसपीरेज। शुगर फॉस्फेट बैकबोन इन न्यूक्लिक एसिड, अगर हम 99 की बात करें कि यहाँ पे शुगर फॉस्फेट जो है वो बैकबोन किसकी बनी हुई होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, गलत ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, निगेटिवली चार्ज होती है, गलत, ये भी ऑप्शन अकेला गलत हो जाएगा, शोज पोलैरिटी ये भी गलत हो जाएगा, दैट इज कुल मिलाकर के ये अकेला इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, सबके सब ही करेक्ट हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है सही है ये बात, निगेटिवली चार्ज होता है ये भी सही हो जाएगा, शोज पोलैरिटी ये भी सही हो जाएगा, दैट इज यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए ऑन हाइड्रोलिसिस अ न्यूक्लियोसाइड वुड नॉट यील्ड, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की, यहाँ न्यूक्लियोसाइड इस तरीके से बना लेते हैं, राइबोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, अगर हम इसको क्या कराते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो हमें क्या नहीं मिलेगा, इनमें से क्या नहीं मिलने वाला है? तो बच्चों प्यूरिन मिलेगा, यस मिलेगा, पिरिमिडीन मिलेगा, अगर पिरिमिडीन होगा तो वहां पर मिल जाएगा, पेंटोस शुगर भी वैसे की वैसी मिल जाएगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा बच्चों, फॉस्फेरिक एसिड नहीं मिलेगा हाइड्रोलाइज करने पे। चलिए इन्फॉर्मेशन इन अ जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड रेजिड्यू इन द, इन्फॉर्मेशन जो कि जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड में होती है रिसाइड्स इन द, किस फॉर्म में होती है? तो 101 का ऑप्शन क्या बनना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नो बच्चों, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, तो आंसर करेक्ट होगा सर, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में जानकारी होती है, भाई ये डीएनए का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ये इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये भी बात सही है, हो सकता है इसमें एडेनिन आया हो, इसमें ग्वानिन आया हो, इसमें साइटोसिन आया हो, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बच्चों ये भी मायने रखता है कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ पर है, तो यानी ऑप्शन बच्चों सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, दैट इज 101 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। के एम वैल्यू इस किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से बच्चों रिलेटेड है, नहीं, पीएच से रिलेटेड है, नहीं बच्चों, ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये वैल्यू होती है सब्सट्रेट की जहां पर बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैक्सिमम का हाफ अटेन कर लिया जाता है, ये बच्चों आप रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ अटेन कर लिया जाता है उसे बोलते हैं के एम वैल्यू। 103 पे आप बच्चों चलिए, 103 पे क्या पूछा जा रहा है, When triglycerides are solid at ordinary room temperature, they are called, ये सी तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया यहाँ से आपका,
तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर सॉलिड है बच्चों तो फैट कहलाएंगे। नेचुरल लिपिड आर रेडली सॉल्युबल इन, 104 का पूछ रहा है कि नेचुरल जो लिपिड होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं बच्चों, ऑयल में, मरकरी में, वाटर में? वाटर में हो नहीं सकते, मरकरी में होंगे नहीं, ऑयल में भी नहीं बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लाना पड़ेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर वगैरह। ऑप्शन विल बी डी करेक्ट, दैट इज नन ऑफ दिस। 105 में पूछा जा रहा है आपका, 105 में देखिए, एंजाइम दैट ब्रेक न्यूक्लिक एसिड इनटू द न्यूक्लियोटाइड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक कर देंगे किस क्लास में आ जाएंगे, मतलब इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, और तोड़ने का काम कौन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम करता है। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप मुझे बताइएगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल ऑर्गेनिल्स में कहां पर पाए जाते हैं, सेल के अंदर? ऑप्शन विल बी सी करेक्ट। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस सेल ऑर्गेनिल्स में पाए जाते हैं ये आप मुझे बताइए। एंजाइम आर सेंसिटिव टू, एंजाइम किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, 106 में बताइए बच्चों ऑप्शन। तो 106 में लाइट के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, की पीएच के प्रति बच्चों। लाइट से तो आपने रिलेटेड रिलेशन किया नहीं है, आपने टेम्परेचर पढ़ा है और पीएच पढ़ा है, तो ऑप्शन विल बी डी करेक्ट, दैट इज बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट। 107 का देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज स्टेबलाइज्ड और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, 107 में ऑप्शन बताइए बच्चों। यहाँ पर देखिए कह रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड करेगा, नो बच्चों ऐसा नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड भी नहीं करता है, कौन करता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होता है, जाकर के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं वहां रिप्रेजेंट भी है। द कैटेलिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाई, उसको कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन है बच्चों, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था केएम वैल्यू के द्वारा, जितना अच्छा उसमें एक्टिव साइट होंगी उतना अच्छा केएम वैल्यू, और केएम वैल्यू के आधार पर हम एंजाइम को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। 109 को देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, ये लास्ट लाइन एनसीईआरटी की है, लास्ट पेज पे लिखी हुई है जहां पर एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाएगा तो इनमें से हमें क्या देखने को बच्चों मिलेगा। तो बच्चों यहां से क्या देखने को आपको मिलता है कि कह रहा है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज लॉस्ट, एंजाइम प्रिजर्व इज अ टेम्पररली इनएक्टिव स्टेट, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू एंजाइम मॉलिक्यूल, कि बोथ बी एंड सी, तो दैट इज यहाँ ऑप्शन क्या बन जाएगा बच्चों, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम लॉस्ट हो जाएगी ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए। 110 में देख चलते हैं, व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन स्केलेटन मसल एनर्जी इज लिबरेटेड, ये बात तो सही है, जब ग्लूकोज को बच्चों तोड़ा जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बनता है बच्चों लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में डिपोजिट होकर के थकान दिखकर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन करेक्टली एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट एंजाइम, इट इज अ कैटाबोलिक पाथवे होगा जहां एनर्जी रिलीज होगी, एनाबोलिक पाथवे होगा जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, ये तो एनाबोलिक तो नहीं होगा बच्चों, गलत हो जाएगा, एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस डिग्रेडेशन इज ट्रैप्ड एंड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज एडीपी। तो 110 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ये कैटाबोलिक पाथवे होगा और एनर्जी कुछ मिल तो रही है लैक्टिक एसिड बनाने के बच्चों। 111 जो कि लास्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए हमारा, यस, व्हिच ऑफ द व्हाई द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। बच्चों हम लोगों ने ऐसे करके ग्राफ बनाया था, एक्स एक्सिस पे लिया था सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे लिया था रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ ऐसे चला था सबस्ट्रेट के बढ़ाने के साथ ऐसे बढ़ता है, और उसके बाद अगेन सबस्ट्रेट के बढ़ाने पर यह ग्राफ ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमें मिला था बच्चों, ये इसको बोलते हैं KM, इसको बोलते हैं बच्चों Vmax, और यहाँ मिलता है बच्चों हाफ ऑफ Vmax, इसे बोलते हैं बच्चों KM वैल्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर आपका, कि यानी सबस्ट्रेट के बढ़ाने पर भी अब रेट फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ये जो एंजाइम में आपके पास एक्टिव साइट थी वो सारी की सारी फुलफिल हो गई हैं बच्चों, क्या हो गई हैं, सारी की सारी फुलफिल हो गई, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो एंजाइम मॉलिक्यूल आर इक्वल टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये आंसर गलत है, एंजाइम मॉलिक्यूल आर फीवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये बात सही है, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर नॉट क्लोजली रिजेंबल्ड टू द बोथ एंजाइम मॉलिक्यूल। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट बच्चों, 111 का ऑप्शन, अगर नॉट एक्सीडेड बाई एनी फर्दर एंजाइम मॉलिक्यूल आर इक्वल टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, गलत, ऑप्शन विल बी बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो 111 का आपका बी करेक्ट हुआ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आगे कौन सा चैप्टर हमें खत्म करना है। बच्चों हम लोगों को आगे चैप्टर हम लोग कर रहे हैं माइटोसिस मियोसिस पढ़ रहे हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, तो आज हम लोगों का हो जाएगा थर्सडे। इसके जो सेल आपके माइटोसिस मियोसिस का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे संडे को बच्चों, ठीक है। संडे को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां पर प्रैक्टिस कराएंगे, वहां भी 100 एवब इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। तो ये सेशन बहुत अच्छा रहा, आप जाकर के आज ही इसके क्वेश्चन पूरे के पूरे लगा डालिए, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जब तक आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है तब तक आपको इस प्रकार के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आप चाहे किसी भी कोचिंग के नोट्स पूरे के पूरे पढ़ लीजिए, उसमें क्या होगा आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, लेकिन आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन करना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो, और 360 ऑफ 360 का प्रॉमिस मैं आपको करता हूँ, आपके 360 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने एक बार जाकर के एनसीईआरटी पे फुल ऑफ कमांड ले लिया और पूरी एनसीईआरटी का केवल आपको केवल 5 to 7 टाइम्स बस रिविजन करना है, उसके बाद आप देखिए आप मास्टर हो जाएंगे, एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। तो इस सेशन के लिए बच्चों थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।